الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जल्दी से दुरूद शरीफ पढ़ो। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, मुझे जिंदगी का एक अहम तरीन मसला हजरात को समझाना है। अल्लाह ताला के तीन प्रोग्राम हैं दुनिया से लेकर कयामत तक के। पहला प्रोग्राम है मां के पेट से पैदा कर, दूसरा प्रोग्राम है मौत देना, और तीसरा प्रोग्राम है जो मैं आपसे जोर से बुलवाना चाहता हूं, कयामत के दिन कब्र से दोबारा। जरा जोर से बोलो। ये तीन प्रोग्राम हैं, उसमें से दो प्रोग्राम तो हम अपने आंखों से रोज देख रहे हैं, बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, रोज लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं। अभी ये कोरोना वायरस के मामले में बेशुमार लोग अल्लाह के घर चले गए। अब मसला है दोबारा जिंदा करने का मामला। तो अल्लाह ताला ने इस मसले को बहुत जगह कुरान पाक में मुख्तलिफ दलीलों के साथ समझाया है। मैं उसको जरा मिसाल के साथ समझा दूं, वो बहुत कम है, मगर इस शर्त के साथ कि आप लोग जोर से इंशाल्लाह बोलो, ये जो दलील मैं बतलाऊं आपको दूसरों तक पहुंचाना है, इसे खाली इंशाल्लाह नहीं बोलो, इंशाल्लाह। देखो, ये अल्लाह ताला को पहले पहचानो, वो बड़ी ताकतों का मालिक है। कुरान पाक में एक बार कह दिया गया कि मैं जब कोई फैसला करना चाहता हूं बस इरादा करता हूं, इरादा, और वो चीज हो ही जाती। कुरान पाक में है कि कयामत जब लाने का फैसला करूंगा ना, तो वो जो फैसले के बाद काम करना, तो फरमाया तुम्हारे आंख के पलकार में देर लग सकती है, मगर मुझे आसमान और जमीन तोड़ने में देर नहीं लगी। ये अल्लाह के बारे में पहला अपना यकीन मजबूत करने का मामला है। मगर चूंकि आज हम लोग साइंस के जमाने में आए, टेक्नोलॉजी के जमाने में आए, आप सरासर ने एक बार फरमाया था हमारे लोगों के बारे में कि आखिरी जमाने के मुसलमान आएंगे, तो फरमाया उनकी कीमत दुनिया की कौमों के सामने ऐसे होगी जैसे समंदर में कचरा पानी बहा कर ले जाना, कोई कीमत नहीं होगी दुनिया की कौमों के सामने। इस सही हदीस है, तो बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत की। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, कभी दुनिया में इतने भी रहे होंगे, इतनी बड़ी तादाद। तो फरमाया फिर क्यों, वजह क्या होगी? तो फरमाया दो बीमारियां उनमें घुस जाए। जरा जोर से बोलो, कौन क्या बीमारियां घुस जाए? दो बीमारी, और उसकी वजह मैं बयान करूंगा। फरमाया एक तो मौत से नफरत करेंगे वो मुसलमान, मौत से नफरत करेंगे, हालांकि मौत, जोर से बोलो, खासकर मुसलमान की मौत, जोर से बोलो, इससे मुलाकात का जरिया है, उसी से मुसलमान नफरत करें। और क्यों नफरत करेंगे? ये बंगला छूट जाएगा, ये गाड़ी छूट जाएगी, एयर कंडीशन छूट जाएगा, ये चाइनीज की आइटमें छूट जाएगी, खाने के पकवान एक एक बन रहे, मुसलमानों दुनिया एक बड़ी टीम का दिमाग लग रहा है, अच्छे अच्छे खानों के पकवान, मुस्तकिल लोग काम कर रहे हैं उस पर, बस अच्छा कमाओ और अच्छा खाओ बस, जैसे मरना नहीं, कयामत के दिन दोबारा जिंदा नहीं होना। तो एक वजह तो फरमाई कि ये लोग मुसलमान आखिरी जमाने के, मौत से नफरत करनी मुसलमानों के बारे में। तो मैं आपको कह रहा हूं हाशिए के तौर पर, आगे बढ़ो आप, जब गैर मुस्लिम होंगे, मुसलमान का ही आलम होगा, तो गैर मुस्लिम तो और ज्यादा सुस्त होंगे, आप सोच लो, वो तो इसी को जन्नत समझते हो, तो यही जन्नत है, आगे में स्टेज ही नहीं। और दूसरी वजह फरमाई माल से बेहिसाब मोहब्बत होगा उस आखिरी जमाने के मुसलमान। हदीस में दो बातें, या अल्लाह के दीन से मोहब्बत, या अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत, या माल से मोहब्बत। तो फरमाया कि इनको माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत, और माल की कसरत ऐसे जमाने में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई। आज से 50 साल पहले हमारे बाप दादा बड़ी तकलीफों के साथ गुजर, और आगे जाओ 100 साल पहले बड़ौदा का हाल, आप सिर्फ मैं यहां बैठा हूं चूंकि बड़ौदा में, बड़ौदा ऐसा नहीं था जैसे आजकल बागों बहार।
पिछले 100 साल पीछे जाओ, अरे 50 साल पीछे जाओ। अब साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है तो दिमाग और खराब हो गए। तो लोग क्या समझते हैं कि सलमान के बारे में फरमाया कयामत की निशानियों में कि आखिरी जमाने के मुसलमान होंगे, मौत से नफरत करें। हालांकि कुरान कह रहा है कि किसी काफिर के मरने पर, कुरान पाक में आया है, कभी आसमान भी नहीं रोया और कभी जमीन भी नहीं, काफिर की मौत पर। अल्लाह ने आपको अकल दी है, जब काफिर की मौत पर कभी आसमान ने गम नहीं किया और कभी जमीन ने भी नहीं, कुरान पाक से आपकी मौत की इज्जत मालूम हुई कि मुसलमान की मौत पर गोरों जोर से बेशक आसमान और जमीन रोता। बोलो ना भाई, जरा जोर से रोता है। ये कुरान से साबित हो गया कि आपकी मौत पर तो आसमान और जमीन रोता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है आसमान जमीन को रोने की क्या वजह, कहा जमीन के जिन टुकड़ों पर नेकियां करता था वो टुकड़े सूने पर गए इसलिए वो गम महसूस करके रोते हैं, और आसमान के जिन दरवाजों से उसकी नेकियां चढ़ती थी उसके मरने के बाद वो दरवाजे बंद हो गए इसलिए आसमान भी रोता। इतनी ज्यादा फजीलत है, और ये आखिरी जमाने के मुसलमान मौत से नफरत करने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम्मा तफीजातिल जंब फहु शहीद। बिल्कुल सही हदीस है। ये कोरोना वायरस, ये जातुल जंब की बीमारी, फेफड़ों की निमोनिया, और उससे आगे बढ़कर फिर वो कोरोना वायरस में जाता है। फरमाया इसमें जो मर गया वो सीधा शहीद, अल्लाह का बहुत बड़ा दर्जा। जरा जोर से बोलो ना, बेशक ईमान तो ताजा करो, है कि नहीं? जो ईमान वाला है बगैर हिसाब किताब को जन्नत में जाए, बड़ी बड़ी फजीलत। तो मौत से नफरत क्यों किया जाए, एक बार, और दूसरी बार फरमाई माल से मोहब्बत। उलमा ने लिखा है जब ये दो बीमारियां उम्मत में घुसेगी तो दोबारा जिंदा होने पर जो मुसलमान मौत से नफरत करेगा साबित हो गया कि उसको कयामत की बात या कयामत के बाद के हालात से उसको कोई इंटरेस्ट। जोर से बोलो, बेशक है। जो अव्वल वक्त जो अल्लाह से मुलाकात का जरिया, जहां से जन्नत में दाखिले का रास्ता है, दरवाजा है मौत, बाबुल जन्ना, अलमौत बाबुल जन्ना। उलमा ने लिखा है मौत तो मुसलमान के लिए जन्नत, जब उससे ये मुसलमान नफरत कर रहा है तो कयामत के दिन हाजिर होना, हिसाब और किताब, और फिर जन्नत में दाखिला उसको, उसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं। आखिरी जमाने के मुसलमानों के बारे में लोग क्या समझते हैं, भाई लोग खा पी कर मर गए, हमको भी मर जाना है। फिर कोई आज तक लोग क्या सवाल करते हैं, मतलब नास्तिक लोग जैसे, उनके नास्तिकों के पास बैठते हैं तो उन्हीं जैसा दिमाग होता है कि भाई आज तक लोग कब्रों में मर गए, हजारों साल हो गए, आज तक कोई जिंदा नहीं हुआ। जैसे सांस वाले कहते हैं कि भाई दोबारा अगर जिंदगी है तो जितने मर गए आज तक खड़े क्यों नहीं। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, वो बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि अपना ये ईमान मजबूत करो कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा कैसे कर। ये जो कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, अबू जहल ने कहा कि अल्लाह के ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, قال من يحيي العظام وهي رميم, हमको दोबारा कौन जिंदा करे। तो अल्लाह ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको कह दो जो मां के पेट में, बोलो जोर से, बेशक पहली बार तुम्हारे मरे हुए बदन में 4 महीने के बाद पहली बार जान डाल चुका है, कयामत के दिन कब्र की मिट्टी में दोबारा वही जान डाले। बार बार कहा गया, अब उसको मैं दलील के साथ समझाऊं जो हमारे उलमा ने समझा, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से। ये देखो, तो जब पैदा पहली बार पैदा करने का मामला अल्लाह का है तो जल्दी से और जोर से बोलो दूसरी बार पैदा करने का मामला किसका है। तो ईमान ये होना चाहिए उनका मामला, जब टाइम आएगा वो करेगा। मगर अब चूंकि हमारे ईमान कमजोर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशी गोई किए आखिरी जमाने के मुसलमान ऐसे होंगे, इसलिए हम कयामत की बात करो तो लोग समझते हैं कि अभी तो बहुत देर है, अभी तो दूसरी निशानियां बाकी हैं, तो बाकी है हमारा भी ईमान, मगर जागना तो है। हालात कितने खतरनाक हो रहे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा, उसमें कोई शक नहीं, मगर लोग जो शक करते हैं ना उसकी दलील दे रहे हैं उलमा। उलमा फरमा रहे अल्लाह ताला कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा, मगर ये सुन लो कि आज भी तुम जब कहो दोबारा जिंदा करने की, मुर्दों को दोबारा जिंदा करने की ताकत रखता है। अगर उसकी दलील कितनी जोरदार थी, उन्होंने माने लिखा है कि आज जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं और कोई फायदा नहीं, इसलिए वो जिंदा नहीं कर रहा, वरना आज भी ताकत तो उतनी है जितनी कयामत के दिन दोबारा पैदा करने की उसके पास ताकत है। बोलो भाई है, मगर क्यों नहीं कर रहा है। मिसाल से सब
उलमा ने लिखा है कि बहुत सारे मुसलमान दुनिया से चले गए, उन्होंने मस्जिद बनाई, जैसे आपकी मस्जिद हलीमा है और मस्जिदें हैं बड़ौदा में, पूरी दुनिया में कुछ उनका पैसा लगा है मस्जिदों की दीवारों में, मदरसे बनाए, उन्होंने स्कूल बनाए, उन्होंने पानी के पंप लगाए, मशीनें लगवाई, और खुदा जाने क्या क्या नेकियां करके गए, इतनों ने यतीमों बेवाओं को पाला होगा, क्या क्या नेकियां की होगी। तो फरमाया अल्लाह ताला फरमा रहे उनको आज भी जब वो कब्रों में चले गए जिंदा करके उनकी नेकियों का आज भी सवाब दे सकता हूं, मगर अल्लाह ने फरमाया क्या आप लोग आज जिंदा करवा के मुझे उनको अधूरा सवाब दिलवा दे, क्यों कि वो जो मस्जिदों में उनका पैसा लगा है, मदरसों में लगा है, स्कूलों में लगा है, कॉलेजेस में लगा है, पानी में लगा है, या बेवा यतीमों के पालने में, या बेशुमार नेकियों में उनका पैसा लगा है, तो फरमाया कि आज वो मस्जिदें खत्म हो गई, आज भी मस्जिदों में नमाजें पढ़ी जा रही है, उसमें तिलावतें हो रही है, एहतिकाफ हो रहा है, दावत तो तबलीग का काम हो रहा है, उलमा के जरिए दावत तो तबलीग का काम हो रहा है, तो अल्लाह फरमा रहे उनकी नेकियां खत्म नहीं हुई, वरना मैं आज ही इनको जिंदा करके हिसाब दे दूं, उनकी नेकियां चालू है और बोलो जोर से कयामत तक चालू रहेगी। तो क्या आज तुम मुझे पैदा उनको पैदा करवा के अधूरा सवाब देना चाहते हो? भाई जोर से बोलो, अधूरा होगा कि नहीं होगा? सब मिलकर जोर से बोलो, पूरी नेकियों का सवाब कब हो सकता है पूरा? कयामत के दिन। ज्यादा अल्लाह फरमा रहे जरूरत नहीं तो भी मुझे पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे गुनहगारों का मामला, जो शराब के अड्डे खोल के गए, जीनाकारियों के अड्डे खोल के गए, ये सिनेमा थिएटर, ये टेलीविजन के गद्दे, ये मोबाइलों पर गलत चैटिंग, औरतों के साथ कॉन्टैक्ट, ये सब जितने लोग इसकी बुनियाद डालकर गए, या और बहुत सारे दुनिया में है फसादात के जरिए, जैसे पहले प्राइवेट में जुगाड़ खेलते थे, अब बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, तो जो उसकी बुनियाद डाल के गया, अल्लाह फरमा रहा मर गए, आज भी उनको जिंदा करके उनको सजाएं देने की ताकत रखता है। बोलो जोर से बोलो, मगर फरमा रहे आज मैं उनको जिंदा करने की अधूरी सजा दूं, क्योंकि वो जो बुनियाद डालकर गए गुनाह होगी आज भी चालू है और उनके गुनाह पूरे होंगे। पूरा मजमा जोर से बोलो, कब पूरे होंगे? लिहाजा उनकी सजा मुकम्मल हो सकती कयामत के दिन, लिहाजा आज जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं। बोलो भाई जोर से, समझ सही कह रहा हूं? इसलिए कान खोल के सुन लो, वो न मुझे छोड़ेगा ना आपको छोड़ेगा। जैसे आपको हिसाब देना है ना, हमको भी हिसाब देना, कोई छूटने वाला नहीं। नबियों को भी खड़ा किया जाएगा कि आपने दावत तबलीग का काम मुकम्मल किया था कि नहीं, नबियों को भी कुछ परस हो। तो हम और आप क्या चीज, यानी इतनी ज्यादा बेफिक्री होना मौत के बारे में। ये कोरोना वायरस का इतना कहर चल रहा है और मुसलमान कोई चीज की गैर नहीं ले रहा, यानी आखिरत की फिक्र बढ़नी चाहिए, वो कह रहा। गवर्नमेंट पुलिस जो आपको जो कुछ कह रहे हैं उसके बारे में तो आप करें उसका कोई कर, मगर ये हालात के बारे में आदमी को और मौत की फिक्र करना चाहिए। 165 तो सिर्फ बड़ौदा में मुसलमान तकरीबन शहीद हो गए बीमारी, हो सकता है और भी असबाब होंगे। ये जो लोग जो बतला रहे हैं दादा, मैं जोर से बोलो सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, कोई फिक्र है? 153 के करीब एशिया में उलमा शहीद हो गए ये दो महीने में, 153, और वो भी बड़े बड़े, मेरे जैसे छोटे तो और ज्यादा है, मगर बड़े बड़े उलमा 153 के करीब अल्लाह के घर चले। अब शासन ने फरमाया कि कयामत इस तरह नहीं आएगी कि अल्लाह ताला कुरान से और किताबों से गुरु उठा देते, नहीं बल्कि कब्जे उलमा, अल्लाह ताला उलमा उठा दे, जो मेन जड़ है उसी को उठा दे, और फिर लोग जहां जाए लोगों से मसले मसाइल लोग ऐसे ही बयान करना शुरू कर दे। ये कोई छोटा मोटा मसला है, जो मेन मक्खन है, मक्खन उम्मत का, नबियों के वारिस वो उलमा के नाम। पूरा मजमा जोर से बोलो, मक्खन कौन है? उनको उठा रहे। तो हम और आपको कोई फिक्र नहीं मौत की, कयामत की। आज गुजरात समाचार में पहले पेज पर दिया, बर्मा में जमीन मकानों के साथ हट गई, नीचे से फाउंडेशन के साथ, और लोग बारिश भी बेपना, तूफान बेपना, 162 आदमी तो मर गया, बेशुमार लोग कीचड़ों में फंसे। ये कयामत की निशानियों में बयान किया, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि जहां जलजले होंगे साथ साथ जिसको गुजराती के लोगों का भूमि स्खलन होगी, यानी जमीन ही हट जाएगी मकानों से। अभी रमजान के बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, नहीं नॉर्वे में 400 के करीब बड़े बड़े ऑफिसर लोग नॉर्वे में दरिया के किनारे, ऐसा समझते थे हम लोग जैसे कोई मानना, ज्यादातर यहूदी और ईसाई थे, बंगले में रात सोए थे, भूस्खलन हुआ, पूरी जमीन मकानों के साथ समंदरों में चली, एक भी जिंदा नहीं, एक भी, और नई नई सोसाइटी बनी थी चंद महीनों, कोई फिक्र ही नहीं हम लोगों को।
बड़ी निशानियां शुरू हो गई कयामत की। मैं इतने खुले अल्फाज में कहता हूं कि आपको यकीन ना है तो आप किसी और से मत पूछो, आप अल्लाह से पूछो। जो कयामत लाने वाला है ना, इस्तिखारा करके पूछो कि अल्लाह क्या बड़ी कयामत तो आने वाली है, बड़ी निशानियां शुरू हो गई। इतने खुले अल्फाज से कह रहा हूं, तकरीबन चार बड़ी निशानियां हो गई, धुआं निकल गया, तीन बड़े जलजले हो गए, उलमा बार बार उलमाए किराम ख्वाब में देख रहे हैं कि सूरज पश्चिम से निकलने वाला है। आप जैसे मुसलमान देख रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरते देखा, लोग भागम भाग कर रहे हैं, आसमानों जमीन टूट रहा है, लोग ऐसा देख रहे हैं, और हम लोग इतनी गफलत में सो रहे हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि यकीन ना तो अल्लाह से पूछो। हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो रहे हैं। कल रात मैंने नेट पे देखा, आप नेट पर एक साइट है, दी लेटेस्ट अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के ताजा तरीन को 264 बतला रहे, एक 24 घंटे में 264 झटके हुए दुनिया। पिछले दिनों गुजरात में हुआ, कोई ना अखबार तो पढ़ा हुआ है भाई, बोलो जोर से हुआ नहीं हुआ? उसी टाइम पर दुनिया के 50 मुल्कों में उसी सेकंड में हमारे तरके पर सर के पास तरके सर में तो लोगों ने हल्का सा मांग लिया, मांडवी करके पूरा तालुका, पूरा मांडवी बाहर निकल गया, भागो भागो रहे, पूरे गुजरात में उसके झटके हुए। मैं अभी सूरत गया था चार दिन पहले, उन्होंने कहा कि हमने भी बड़ी बिल्डिंग को महसूस किया, हम लोग बाहर निकल आए। अब ये बज रहे झटके दे रहा है वो, क्या जान क्या हो? अब शासन ने फरमाया था दुनिया में झूठ शराब जुगार नाच गान धोखाबाजी लाचेश्वर जुल्म जीना काली आम हो जाएगी। उसके बाद सरसरों की लाइन शुरू, अभी न्यूजीलैंड में हुआ था, फिर गुजरात में हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर फिजी में हुआ, कल कनाडा से एक दोस्त का फोन आया परसों, कह रहे यार आपके गुजरात और गुजरात से बाहर इतने धरती का भौर है और आपके पेपर वाले दे नहीं रहे, तो हरियाणा में और पंजाब में रोज झटके आ रहे, लोग भागम भाग कर, कोई असर ही नहीं। देखो ये बात साफ अल्फाज में कह रहा हूं, मैं और आप जो आखिरत की फिक्र नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी, रोजों की पाबंदी, अगर आप पर जकात वाजिब है तो माल की जकात निकालना, हज फर्ज है जिंदगी में एक बार तो वो हज अदा करना, और जितने कामों का हुक्म दिया है अच्छे काम, चाहे कपड़े पहनने का, कुर्ता पहनने का, जूता चप्पल पहनने का, हम लोग क्या करते हैं उल्टे पांव से शुरू कर देते हैं, कुर्ता पहनना तो ये हाथ से शुरू कर देते हैं, पैंट पहनना उल्टे पांव से शुरू कर देते हैं, पहले चाहिए थी तो फौरन बाएं हाथ से शुरू कर, या खड़े हैं तो खड़े खड़े पानी पीने शुरू करें, हाथ से कोई फिक्र ही नहीं। क्या मुसलमानी कर रहे हो? नहीं कर रहे, आप नमाज में मुसलमान और बाहर जाके काफिरों का अमल कर रहे। मुसलमान ऐसे बनो कि आपकी हर हरकत में बोलो बेशक मुसलमानी टपकनी चाहिए तो आप मुसलमान, आपकी रोजी हराम हलाम हलाल नहीं, मेन दुनिया में वो तो चूने हद मेहमान कर तासु रैया पी रवत दीवार कर, पहली ही थी आपकी उल्टी जाएगी, पूरी इमारत टेढ़ी जाएगी, रोजी हलाल नहीं, सारे अमाल खत कर दे, सारे अमाल हफ्त कर, बेकार चले जाए, चटनी रोटी खाओ मगर हलाल खाओ, हलाल बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। जुबान से झूठ दीवार तकब्बुर रियाकारी जुल्म सारे गुनाहों को छोड़ दे। लोन आप बैंकों से बार बार लोन ले रहे हो, एक बार भूल हो गई तो मामला साफ कर लो अल्लाह, मगर काम नहीं करना, जो जो हराम है वो हराम है। मां बाप की फरमाबरदारी, मां बाप राइट है, देख लो आप बीवी के हक में है या बीवी शोहर के हक में, औलाद के हक में, आप दुनिया और दीन दोनों की तालीम की फिक्र कर रहे हैं, आपने नहीं किया तो आप बेकार हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। जो हमेशा की जिंदगी है, जो उसकी फिक्र नहीं की तो आप जैसा बुरा इंसान कोई। आपने बच्चों की सिर्फ एजुकेशन की फिक्र, बहुत अच्छी चीज है, हम लोग तो एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे। मुफ्ती सलमान साहब ने आपके यहाँ बड़ौदा में मिसाल इदारा कायम किया, मैंने खुद उसका इम्तिहान लिया, स्कूल मदरसे दोनों का माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको और आप तमाम को नजर बद से बचा। मैं आपको कह रहा हूँ हम लोग खुद उसके लिए, ये जितने उलमा आने चल देंगे आप पूछ लो मेरे भर, और भाई ये तो आपके सामने जिंदा मिसाल है। उन मदरसों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक के में भी स्कूल का स्कूल थी, हमने इनको कहा कि आप मदरसों में स्कूल चलो, दिन तो है आपके यहाँ दुनिया की कमी वो भी पूरी करो। अल्लाह ने हमसे हमारा पेपर हमने निकाला 2000 में, तो हमने उसका नाम रखा दीन दुनिया। क्या नाम रखा भाई? तो दुनिया से हटना थोड़ी, हलाल काम तो कर ले, जो अच्छी चीज है उसको अच्छा कहा जाए, मगर याद रखो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों वाले जब बुलाते हम लोगों को, उनके सामने हम कहते हैं कि आपकी तालीम में कमी, झूठ से बचने का कोई इल्म आप क्या सिखाया, गीबत से बचने का, पड़ोसी का हक क्या, मां बाप की इज्जत क्या,
हराम से बचना है, लाच रिश्वत से बचना है, ये आपकी स्कूलों में है ही नहीं। तो तुम्हारी एक कमी है तो तुम अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में एक पीरियड भी कम से कम बोलो, अगर मेरी बात सच्ची है तो बोलो बेशक उसमें दीन की तालीम दाखिल कर। देखो कैसा दिन में बोल रहे हैं, तो दुकान में गड़बड़ नहीं है, बोलो भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्यों बच्चों को झूठ से नहीं बचा, हराम कमाइयों से नहीं बचा? अक्सर कॉलेज में जाके देखो उनके असातिदा जो दीनदार है ना मुसलमान, वो हमको कहते हैं हमारे बच्चे शराब पीते, अक्सर बच्चे शराब और ड्रग्स में लगे, यहां तक के लड़कियां कितनी पकड़ाई पेपरों में आ गई ड्रग्स करती पकड़ाई, कॉलेज जाने वाले यूनिवर्सिटियों में जाने वाले, हम कोई की शिकायत नहीं कर रहे, हम तो आपको समझा रहे हैं दुनिया और दीन कि ऐसा काम न करो कि हमेशा की जिंदगी बिगड़े, वो तुमसे हिसाब लेने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने किसी की मिसवाक की लकड़ी, अगर अभी है कोई अजूबा की मिसवाक कोई कीमत दे लो, हदिया दे रहा आदमी चलते फिरते किसी को भी हदिया कर खुशी के साथ जमीन के साथ नहीं, गरीब से गरीब आदमी दे, फरमाया वो भी किसी की बगैर इजाजत के लिए किसी की लकड़ी, तो अल्लाह ने फरमाया तू कैसा ही तहज्जुद गुजार इबादत गुजार हो रियाजत करने वाला, अगर उसका हिसाब जब तक नहीं चुकाएगा उस मिसवाक की लकड़ी का, मैं तुझे जन्नत में नहीं चाहता। सही हदीस में है बोलो इराक, हालात बहुत नाजुक हो रहे हैं, बात खत्म हो गई, यहां टाइम नहीं, मुझे एक जगह और जाना है, इसलिए आप हजरात से कहता हूं मुझे वादा करके जाओ कि आज की ये जितने नौजवान इस मजलिस से पक्की नियत करके जाओ कि जैसे जुमे में आए हैं असर में मगरिब में ईशा में फजर में कुरान की तिलावत में जिक्रुल्लाह में दुरूद शरीफ में इस्तगफार में दुआओं में हम हमेशा पाबंद रहेंगे, और जोर से बोलो इंशाल्लाह गुनाहों से हत्तल इम्कान पूरी तरह बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे और आपके बैठने को तौफीक जो है कबूल फरमाए, और सलमान साहब और उनके अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ा खैर, अस्सलाम वालेकुम।